हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पूरे जो लिमिटेशन एक्ट है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्दी शॉर्ट के अंदर। बाकी डिटेल के अंदर मैंने इस पर वीडियोज़ बना रखी है, आप उसको लिमिटेशन एक्ट की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब देखिए, हम शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिशमेंट की बात करें तो इस एक्ट को क्या बोला जाएगा, लिमिटेशन एक्ट 1963 बोला जाएगा। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होगा। और ये बात हट चुकी है स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वाली, क्योंकि वो 370 को हटा दिया था, फिर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 में, उसके बाद अब ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। और ये इट शेल कम ऑन फोर्स ऑन सच डेट, तो ये डेट कौन सी है, 1 जनवरी 1964 को ये एप्लीकेबल हो गया था पूरे इंडिया के ऊपर, ठीक है। फिर डेफिनेशंस देखे तो इन दिस एक्ट अनलेस कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एप्लीकेंट इंक्लूड्स। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि एप्लीकेंट कौन होता है, तो एप्लीकेंट इंक्लूड करता है। इसने इंक्लूसिव डेफिनेशन दी है कि एप्लीकेंट का मतलब सिर्फ यही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। तो एक तो पटिशनर को इंक्लूड किया जाता है, दूसरा किसों को बोला गया, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू हुम एन एप्लीकेंट ड्राइव्स हिज राइट टू अप्लाई, तो कोई भी व्यक्ति जिसके थ्रू जो एप्लीकेंट है अपने राइट्स को ड्राइव करता है अप्लाई करने के लिए इस एक्ट के अंदर, उसको हम एप्लीकेंट के अंदर इंक्लूड कर देंगे। उसके अलावा एनी पर्सन हुज एस्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेंट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी व्यक्ति जिसकी एस्टेट एप्लीकेंट के द्वारा कैसे शो की जा रही है, रिप्रेजेंट की जा रही है, एज एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर या फिर अदर रिप्रेजेंटेटिव की तरह, तो वो भी इंक्लूड होगा एप्लीकेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सी डेफिनेशन आती है, उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन इंक्लूड्स पटिशन, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, तो प्री के अंदर ही पूछा जाता है कि एप्लीकेशन, फिर वो ऑप्शन दे देगा आपको, एप्लीकेशन इंक्लूड जैसे लिख के ऑप्शन दे देगा, तो उसके अंदर पटिशन आ जाएगी। और बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स हुंडी एंड चेक, तो यहाँ पे इसने बिल ऑफ एक्सचेंज की इंक्लूसिव डेफिनेशन दी है, हुंडी और चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इसकी डेफिनेशन अलग होती है। तो जब आपसे वो पूछेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज एज पर लिमिटेशन एक्ट इंक्लूड्स, तब आपको इन दोनों पर टिक लगाना होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो उसके अंदर अलग आ जाएगा, ठीक है। फिर बॉन्ड के बारे में बता रहा है, इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय अ पर्सन ऑब्लाइज हिमसेल्फ, की कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे पर्सन अपने आप को ऑब्लाइज करता है टू मनी टू अनदर, कि पैसा देने के लिए दूसरे व्यक्ति को, ऑन कंडीशन दैट द ऑब्लिगेशन शेल बी वॉइड इफ स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म, की जो कंडीशन है वॉइड हो जाएगी अगर स्पेसिफिक एक्ट को परफॉर्म किया जाता है या फिर नहीं परफॉर्म किया जाता, एज द केस मे बी, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बॉन्ड की डेफिनेशन, तो ज़्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर डिफेंडेंट, जैसे एप्लीकेंट था ऐसे डिफेंडेंट है, कि कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू हुम डिफेंडेंट ड्राइव्स हिज लायबिलिटी टू बी सूड, जैसे उसके अंदर हमने बी पढ़ा था, एनी पर्सन हुज एस्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफेंडेंट, वही एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव, तो ये सब क्या आ जाएंगे, डिफेंडेंट की डेफिनेशन में आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें, ईजमेंट बताता है, ईजमेंट के अंदर क्या बोलता है, इंक्लूड्स अ राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, की कौन से राइट्स को इंक्लूड कर रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं हो रहे, बाय विच वन पर्सन इज एंटाइटल टू रिमूव एंड अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट एनी पार्ट ऑफ द सॉइल बिलोंगिंग टू एनी अदर और एनी थिंग ग्रोइंग और इन और अटैच टू और सब्सिडिंग अपॉन द लैंड ऑफ अनदर। जो हम ईजमेंट का, ईजमेंट एक्ट में मीनिंग देखते हैं ना, उसी तरीके का मतलब है, जैसे कि हम किसी और की प्रॉपर्टी को जिसके अंदर यूज़ कर सके, अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए, ओन प्रॉफिट के लिए, ठीक है, दूसरे व्यक्ति की। फॉरन कंट्री का मीन्स कंट्री अदर देन इंडिया, सिंपल सी बात है। गुड फेथ का मतलब बता रहे हैं, नथिंग शेल बी डीम टू बी डन इन गुड फेथ विच इज़ नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, तो आपने कोई भी चीज़ अगर ड्यू केयर एंड अटेंशन से नहीं की, तो वहाँ बोला जाएगा कि आपका वहाँ पे गुड फेथ नहीं था, ऐसा मान लिया जाएगा, ठीक है। प्लेंटिव कौन होता है, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू हुम प्लेंटिव ड्राइव्स इज राइट टू सू, दूसरा एनी पर्सन हुज एस्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेंटिव एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव, वही चीज़ आ जाएगी। देखिए, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये जो जे वाली है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जे वाला जो है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, मींस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट, की कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन मतलब कि जोन सा लिमिटेशन प्रिस्क्राइब किया गया है किसी सूट के लिए, अपील के लिए या फिर एप्लीकेशन के लिए बाय द शेड्यूल जो उसके एंड में दिया गया है। यहाँ पे प्रिस्क्राइब पीरियड का मतलब बता रहा है, प्रिस्क्राइब पीरियड का मतलब क्या होता है, मींस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो प्रिस्क्राइब पीरियड यहाँ पे बोलेगा मतलब कि वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जिसको किस तरीके से कंप्यूट किया जा रहा है, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के हिसाब से, जो भी यहाँ पे हम अभी पढ़ेंगे जितने सारे सेक्शंस, उनके हिसाब से
कंप्यूट किया जा रहा है, तो उसको हम प्रिस्क्राइब्ड पीरियड बोलेंगे, पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए। फिर प्रॉमिसरी नोट, जैसे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज तक देखा था, ऐसी प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन भी यहाँ पे दी गई है। मींस एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय द मेकर एंगेज एब्सोल्युटली टू पे अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू अनदर एट टाइम देयर इन लिमिटेड और ऑन डिमांड और एट साइट। ठीक है, आपको ये याद करनी है डेफिनेशन। सूट का मतलब क्या होता है, ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है जो इन दोनों चीज़ों को इंक्लूड नहीं करती। तो ये प्री में पूछ लेगा, सूट डज नॉट इंक्लूड, फिर आपको ऑप्शन दे देगा। तो अपील और एप्लीकेशन जो है वो इंक्लूड नहीं करती सूट को, अपील और एप्लीकेशन के अलावा जो चीज़ होगी वो सूट के अंदर आएगी। टॉट मीन्स सिविल रॉन्ग, ट्रस्टी मतलब ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड अ बेनामीदार, बेनामीदार को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अ मॉर्गेज रिमेनिंग इन पोजिशन आफ्टर द मॉर्गेज हैज़ बीन सेटिस्फाई, कि भाई जब मॉर्गेज सेटिस्फाई हो गया उसके बाद भी जब मॉर्गेज उसके अंदर रह रहा है, या फिर पर्सन जो रॉन्ग फुल पोजिशन से रह रहा है जिसके पास टाइटल नहीं है, उनको हम ट्रस्टी नहीं बोलेंगे। उसके अलावा ट्रस्टी की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे मतलब एक तरीके से एक्सक्लूसिव डेफिनेशन दे दी। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 3 आता है, बार ऑफ लिमिटेशन। ये यहाँ से जो हमारे सेक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होते हैं। देखिए क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंड इन दी सेक्शन 4 to 24। तो हमें सारे के सारे जो सेक्शन 4 to 24 तक दिए गए हैं, 4 और 24 को इंक्लूड किया जाएगा। एवरी सूट, हर एक सूट, सूट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि डज नॉट इंक्लूड अपील एंड एप्लीकेशन। इंस्टीट्यूटेड, ठीक है, हर एक सूट जो इंस्टीट्यूट किया गया। अपील प्रेफर्ड, इसने देखो अपील अलग से बता दिया क्योंकि सूट में अपील इंक्लूड नहीं होती। और ऐसे ही एप्लीकेशन, तो तीनों चीज़ें सूट अपील और एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड, जो प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद की जाएगी। प्रेस्क्राइब पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, हमने उसकी अभी डेफिनेशन पढ़ी थी। शैल बी डिसमिस्ड, तो कोई भी सूट अपील या फिर एप्लीकेशन जो प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद फाइल की जाएगी, मतलब इंस्टीट्यूट की जाएगी, प्रेफर की जाएगी या मेड की जाएगी, उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। ऑल द लिमिटेशन हैज़ नॉट बीन सेटअप एज डिफेंस, चाहे उसके लिए लिमिटेशन का डिफेंस लिया गया हो या ना लिया गया हो, कोर्ट उसको अपने आप डिसमिस कर देगा। फॉर पर्पस ऑफ दिस एक्ट अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड, अब बता रहा है कि ये जो हमने पढ़ा ना, ये सूट इंस्टीट्यूटेड, तो अब बता रहा है कि सूट इज इंस्टीट्यूटेड इन ऑर्डिनरी केस व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर। तो प्रॉपर ऑफिसर के सामने जब प्लेंट आएगी तो हम बोल देंगे कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया ऑर्डिनरी केस के अंदर। ठीक है, और पॉपर के केस के अंदर बता रहा है, इन केस ऑफ पॉपर मतलब गरीब व्यक्ति जो होता है, जो हम सीपीसी में भी देखते हैं, व्हेन इज एप्लीकेशन फॉर लीव टू स्यू एज पॉपर इज मेड। तो जब वो अपनी ये वाली एप्लीकेशन बनाता है ना, लीव टू स्यू की, मेरे को इजाज़त दे दो कि मैं गरीब हूँ, मेरे को बाकी सारी फीस पे नहीं करनी, तो उसके लिए जब वो एप्लीकेशन करता है उसका पीरियड और जो उसका सूट होता है वो उस दिन इंस्टीट्यूट हो जाता है। तो अगर वो ये वाली एप्लीकेशन लिमिटेशन पीरियड में लगा देता है तो ठीक है, अदरवाइज उसकी डिसमिस कर दी जाएगी वो एप्लीकेशन। एंड इन केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट कंपनी, अगर आप कंपनी के अगेंस्ट कोई क्लेम करते हो विच इज़ बीइंग वाउंड अप बाय द कोर्ट, जिसको कोर्ट के द्वारा वाउंड अप कर दिया गया है, व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड्स इन हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो जब भी वो जो क्लेमेंट है, जैसे जो कंपनी का क्रेडिटर है, उसने अपना क्लेम जो है ऑफिशियल लिक्विडेटर को भेज दिया है, वहाँ से उस दिन बोला जाएगा कि सूट इज इंस्टीट्यूट। ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन होता है, जब कंपनी की वाइंडिंग अप होती है तो एक व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है जो कंपनी के सभी चीज़ें बंद करता है, जो सारी चीज़ें करता है, असेट्स वगैरह बेचता है, सब चीज़ें करता है ना, उसको हम ऑफिशियल लिक्विडेटर बोलते हैं। फिर बी बता रहा है, एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, तो कोई भी क्लेम जो सेट ऑफ या काउंटर क्लेम के थ्रू किया जाता है शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट सूट, उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट सूट ट्रीट करेंगे, एंड शैल बी डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। और वो कब माना जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट हुआ है, इन केस ऑफ सेट ऑफ, सेट ऑफ के केस में ऑन द सेम डेट एज अ सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। तो जोन से सूट के अंदर आप सेट ऑफ कर रहे हो, जिस दिन वो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उसी दिन हम मानेंगे कि आपने सेट ऑफ भी प्लीड किया है। और काउंटर क्लेम में ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन कोर्ट, और जिस दिन आप काउंटर क्लेम करते हो काउंटर क्लेम की डेट वही होगी सूट की इंस्टीट्यूट करने की, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। फिर सी बात बताता है, एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन अ हाई कोर्ट इज मेड व्हेन एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, फिर सेक्शन 4 देखते हैं क्या बोलता है, 4 to 24 के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी। एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज। अब मान लीजिए कि आपका जो प्रिस्क्राइब पीरियड था वो 30 तारीख को ख़त्म होता है और उस दिन कोर्ट क्लोज थी, तो क्या होगा, व्हेन द प्रिस्क्राइब पीरियड फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर्स ऑन अ डे when the court is closed,
द सूट अपील और एप्लीकेशन मे बी इंस्टीट्यूटेड प्रेफर्ड और मेड ऑन द डे व्हेन द कोर्ट रीओपन्स। तो अगर आप मान लीजिए आपने 25 तारीख को आपका जो प्रिस्क्राइब पीरियड था वो खत्म हो रहा था, 25 से लेकर 27 तारीख तक कोर्ट बंद था, तो जिस दिन कोर्ट खुलेगा रीओपन होगा उस दिन आपको वो एप्लीकेशन अपील या सूट फाइल कर देना है, इंस्टीट्यूट कर देना है, प्रेफर कर देना है। अ कोर्ट शेल बी डीम टू बी क्लोज ऑन द डे विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इफ ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ नॉर्मल वर्किंग आवर्स इट रिमेन क्लोज ऑन दैट डे। तो यहाँ इसको भी माना जाएगा कि वो जो कोर्ट है उस दिन बंद था, ठीक है। फिर सेक्शन 5 बोलता है एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टन केसेस। अब यहाँ एक्सटेंशन की बात हो रही कि कुछ कुछ केसेस के अंदर ये जो हमारा प्रिस्क्राइब पीरियड है ना ये एक्सटेंड हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा बताता है कि एनी अपील और एनी एप्लीकेशन, दो चीज़ें की बात कर रहा है, किसकी, एनी अपील और एप्लीकेशन, अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ द सीपीसी, जो जिसके अंदर हम एग्जीक्यूट कराते हैं डिग्री, उसके अलावा की बात कर रहे हैं, मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड। तो कोई अपील या एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद भी एडमिट हो जाएगी और प्रिस्क्राइब पीरियड इफ द अपीलेंट और एप्लीकेंट, कि जिसने या तो वो अपील लगाई है या जिसने एप्लीकेशन लगाई है, सेटिस्फाइज द कोर्ट दैट ही हैड सफिशियंट कॉज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं, मान लो आपकी 25 तारीख को डेट खत्म हो रही है, आप 27 तारीख को एप्लीकेशन लगाते हो और 27 तारीख को एप्लीकेशन या अपील लगा के कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हो कि आपके पास सफिशियंट रीज़न था जिस वजह से आप 25 तारीख तक कोर्ट नहीं आ पाए, ठीक है, द एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड, तो यहाँ पे फिर कोर्ट जो है वो आपको अलाउ कर देगा, तो आपका एक्सटेंशन हो गया प्रिस्क्राइब पीरियड का। द फैक्ट दैट इसके लिए हम एप्लीकेशन लगाते हैं कि कंडनेशन ऑफ डिले जिसको बोलते हैं कि क्यों हमारे से ये लेट हुआ उसका सफिशिएंट कॉज बताओ। द फैक्ट दैट अपीलेंट और द अपीलेट वाज मिस बाय एन ऑर्डर प्रैक्टिस और जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इन असर्टिंग और कंप्यूटिंग द पीरियड मे बी सफिशिएंट कॉज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो बता रहे कि ये भी एक सफिशिएंट कॉज हो सकता है। अब आता है लीगल डिसेबिलिटी, कि ये भी एक तरीका होता है जिससे आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन से बच सकते हो। क्या बोलता है सबसेक्शन 1 के अंदर, वेयर अ पर्सन Entitled to institute a suit or make an application, दो चीज़ें आ गई, suit आ गया, application आ गया, for the execution of a decree at the time from which the prescribed period is to be reckoned। तो जब किसी व्यक्ति ने, जब कोई व्यक्ति entitled था किसी suit को institute करने के लिए, कोई application बनाने के लिए, कौन सी application, execution of decree के लिए, ठीक है, at the time from which the prescribed period is to be reckoned, और जिस दिन से वो प्रिस्क्राइब पीरियड स्टार्ट होना था, अ माइनर और इनसेन और एन इडियट ही मे इंस्टीट्यूट द सूट और मेक एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज। तो यहाँ पे एक तरीके की ये लीगल डिसेबिलिटी आ गई, अगर वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, माइनर है, इनसेन है, इडियट है, तो वो अपने सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है या एप्लीकेशन को लगा सकता है विद इन द सेम पीरियड, जितना पीरियड उसको वैसे मिलना था, जब उसकी डिसेबिलिटी खत्म होगी वहाँ से उसका वो पीरियड स्टार्ट होगा। द डिसेबिलिटी हैज सीज एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड फ्रॉम द टाइम स्पेसिफाइड देयर ऑफ इन द थर्ड कॉलम ऑफ द शेड्यूल, जो थर्ड कॉलम में दिया गया उस हिसाब से फिर उसको टाइम मिल जाएगा। मतलब कि जिस दिन से उसकी लीगल डिसेबिलिटी हटी, वो इडियट था, ल्यूनेटिक था, माइनर था, इस तरीके की चीज़ थी कोई, ठीक है। वेयर सच पर्सन इज एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब पीरियड इज टू बी रेकंड अफेक्टेड बाई टू सच डिसेबिलिटी, मान लीजिए जिस दिन से पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होना था उस वक्त वो दो डिसेबिलिटी से इफेक्टेड था, वो माइनर भी था और साथ ही साथ वो ल्यूनेटिक या इडियट भी था, इस तरीके की कोई चीज़ थी। और वेयर बिफोर इज डिसेबिलिटी हैज सीज ही इज अफेक्टेड बाई अनदर डिसेबिलिटी, कि भाई एक डिसेबिलिटी खत्म होनी थी वो माइनर से खत्म होना था, उसको एक दूसरी डिसेबिलिटी और लग गई, वो अब इडियट और हो गया साथ में, ही इज़ अफेक्टेड बाई अनदर डिसेबिलिटी, ही मे इंस्टीट्यूट द सूट। तो ऐसे केस के अंदर वो अपने सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है और एप्लीकेशन को लगा सकता है विद इन द सेम पीरियड आफ्टर बोथ द डिसेबिलिटी हैव सीज। तो जब वो दोनों डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड फ्रॉम द टाइम सो स्पेसिफाइड, ठीक है जी। दोनों, अब वो 18 का हो गया लेकिन 17 पे वो ल्यूनेटिक हो गया था, वो ल्यूनेटिक चले जा रहा है 20 की उम्र में जाके वो ल्यूनेसी से हटता है या जो इडियट था वो ठीक होता है, तो यहाँ से फिर उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा। तीसरी बात बताता है वेयर द डिसेबिलिटी कंटिन्यूज अप टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन, कि भाई वो 17 का था, पागल हो गया था, वो पहले माइनर था नहीं कर पाया, 18 तक कर 18 की एज हुई उससे पहले वो 17 पे पागल हो गया, इडियट हो गया, अब वो इसकी ये चलती रही वो पूरी उम्र अपनी, मान लीजिए 50 साल जिया, यहाँ तक वो इडियट ही रहा और उसकी डेथ हो गई, ठीक है, वो पूरी लाइफ उसकी डिसेबिलिटी रही। तो यहाँ पे उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा
कौन होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, मे इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन सेम पीरियड आफ्टर द डेथ। अब ये जो है वो चीज़ सेम चीज़ कर सकता है उसकी डेथ के बाद, एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड फ्रॉम द टाइम सो स्पेसिफाइड। उसके लिए वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन उसकी डेथ के बाद स्टार्ट होगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। वेयर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव रेफरेंस सबसेक्शन इज एट द डेट ऑफ द पर्सन ऑफ द पर्सन होम ही रिप्रेजेंट अफेक्टेड बाई एनी सच डिसेबिलिटी। अब मान लीजिए कि भाई ये तो पागल था ही, 50 साल की उम्र में मरा, अब इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है कोई भी है वो भी किसी ना किसी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, माइनर है या भाई ल्यूनेटिक है, ईडियट है, इस तरीके की कोई चीज़ है, तो उसके ऊपर भी वही चीज़ अप्लाई हो जाएगी जो सबसेक्शन 1 और 2 के अंदर पड़ी है कि भाई जब तक वो डिसेबिलिटी ख़त्म होगी उसके बाद वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, वेर अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेज, कि जो पर्सन है डिसेबिलिटी के अंदर वो मर जाता है जब वो डिसेबिलिटी सीज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बट विद इन द पीरियड अलाउड हिम अंडर द दिस सेक्शन। की भाई मान लीजिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन उसके पास 5 साल था, ठीक है, वो 18 साल का हुआ, उसका पीरियड जो डिसेबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई। अब इसके विद इन 5 ईयर उसको अपना सूट इंस्टीट्यूट करना था, ये सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले अभी वो 20 साल का ही हुआ था, इसका मतलब अभी 23 साल की उम्र तक कर सकता था, वो 20 साल का ही हुआ था, उसकी डेथ हो गई, तो यहाँ पे उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मे इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डेथ एज वुड अदरवाइज हैव बीन अवेलेबल टू द पर्सन हैड ही नॉट डाइड। तो अभी उसके पास 3 साल बचे थे ना, तो इन 3 सालों के अंदर उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो सूट को फाइल कर सकता है या एप्लीकेशन को इंस्टीट्यूट कर सकता है, कोई भी चीज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये डिसेबिलिटी की बात हो गई, और यहाँ पे माइनर जो है चाइल्ड इन वॉम भी इंक्लूड हो जाएगा। डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन, की एक या मतलब पढ़ के देखते हैं, आपको समझाता हूँ क्या बोल रहे हैं। वेयर वन ऑफ सेवरल पर्सन जॉइंटली इंटाइटल टू इंस्टीट्यूट अ सूट, कि भाई एक व्यक्ति ए था और एक व्यक्ति बी था, ये दोनों एक साथ मिल के इंटाइटल थे किसी सूट को करने के लिए या फिर एप्लीकेशन को लगाने के लिए किसी डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए, इज़ अंडर एनी सच डिसेबिलिटी। अब इनमें से कोई भी एक जो है इस डिसेबिलिटी के अंदर है, एंड अ डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ सच पर्सन, कि इसकी इच्छा के विरुद्ध, मतलब कि इसकी डिस्चार्ज लिए बिना, मतलब कि मान लीजिए कि जैसे मैंने ए और बी का आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, ये जो था ल्यूनेटिक था, माइनर था, कोई भी चीज़ था, अब बी जो है इसकी कॉन्करेंस के बिना जो है सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, और इन दोनों के अगेंस्ट ही जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो चलता रहेगा। अब मान लीजिए दोनों ही अपनी डिसेबिलिटी के अंदर आ रहे हैं, ए भी डिसेबल है, बी भी डिसेबल है, और दोनों एक दूसरे की कॉन्करेंस के बिना सूट फाइल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही डिसेबल्ड हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोलता है कैन बी गिव द टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल बट वेयर नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन टाइम विल नॉट रन अगेंस्ट एनी ऑफ देम, तो टाइम जो है उनमें से किसी के भी अगेंस्ट रन नहीं करेगा जब तक कि उनमें से कोई जो है एक डिस्चार्ज देने के लिए जो है कैपेबल नहीं हो जाता, मतलब कि जैसे ए था बी था तो दोनों ही पागल है, तो दोनों में से जब तक कोई भी एक ठीक नहीं हो जाता तब तक वो टाइम उनका जो रन करना है वो स्टार्ट नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन बोलता है दिस सेक्शन अप्लाई टू डिस्चार्ज फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ लायबिलिटी इंक्लूडिंग अ लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी बात बोलता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन मैनेजर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली गवर्न बाई मिताक्षरा लॉ शैल बी डीम्ड टू बी कैपेबल ऑफ गिविंग डिस्चार्ज विदाउट कॉन्फ्रेंस ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। जो करता होता है फैमिली का, मैनेजर होता है हिंदू फैमिली का, मिताक्षरा लॉ के अंदर ऐसा मान लिया जाता है कि वो डिस्चार्ज देने की कैपेबल है बाकी किसी भी मेंबर की परमिशन लिए बिना, कॉन्करेंस लिए बिना। स्पेशल एक्सेप्शन की बात कर रहा है कि ये स्पेशल एक्सेप्शन है, नथिंग इन सेक्शन 6 जो हमने पढ़ा था लीगल डिसेबिलिटी के बारे में, और इन सेक्शन 7 जो अभी हमने पढ़ा, टू सूट्स टू इन्फोर्स राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन, जो प्रीएम्पशन का राइट होता है उसके ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब जो प्रीएम्पशन का राइट होता है, प्रीएम्पशन का राइट कौन सा होता है, जैसे मुस्लिम लॉ में देखते हैं कि जैसे ए ने और बी जो है एक साथ दोनों आपस में नेबरर्स हैं, ठीक है, ए ने जो है अपनी प्रॉपर्टी, अब ये अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, अब ए प्रॉपर्टी अपनी बेचना चाहता है सी को, सी रहता है यहाँ कहीं पे, तो ये इसका प्रीएम्पशन का राइट है क्या कि पहले ए को इसको ऑफर करना है, इसको बेचने से पहले ये जब मना करेगा तब वो इसको बेच सकते हैं, इसको हम प्रीएम्पशन का राइट बोलते हैं। प्रीएम्पशन के राइट के ऊपर सेक्शन 6 और सेक्शन 7 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, और मैक्सिमम पीरियड 3 ईयर का दिया इसने। फिर बोल रहा है कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, एक बार ही अगर टाइम चालू हो गया, एक बार ही अगर टाइम रन करना स्टार्ट हो गया, तो कोई भी उसके बाद डिसेबिलिटी आ जाए, इनएबिलिटी आ जाए जिसके कारण सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो रहा या फिर एप्लीकेशन नहीं लग पा रही,
तो वो माना नहीं जाएगा. प्रोवाइडेड दैट वेयर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट ऑफ क्रेडिटर हैव बीन ग्रांटेड टू हिज डेटर द रनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिकवर द डेट शैल बी सबसेंटल वाइल द एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूज. तो यहाँ पे इसने बता दी एक एक्सेप्शन की कब होता है, कि कब सेक्शन 9 की एक्सेप्शन बता दी. ठीक है, तो बाकी एक बार स्टार्ट हो गया तो वो फिर भागता रहेगा, कुछ भी डिसेबिलिटी आ जाए, कुछ भी इनेबिलिटी आ जाए, उससे मतलब नहीं है. फिर आते हैं हम सेक्शन 10 के ऊपर. सेक्शन 10 क्या बोलता है, सूट्स अगेंस्ट ट्रस्टी एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. आप किसके अगेंस्ट सूट कर रहे हो, ट्रस्टी या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट. तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, नो सूट अगेंस्ट पर्सन इन होम प्रॉपर्टी हैज़ बिकम वेस्टेड इन ट्रस्ट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज और अगेंस्ट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और असाइंस फॉर द पर्पज ऑफ फॉलोइंग इन इज और देयर हैंड सच प्रॉपर्टी और प्रोसीड देयर ऑफ और फॉर एन अकाउंट ऑफ सच प्रॉपर्टी और प्रोसीड शैल बी बार्ड बाई एनी लेंथ ऑफ टाइम. तो इसने यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की है कि भाई जैसे हमने क्या किया ट्रस्ट के तौर पर, जैसे हम किसी को प्रॉपर्टी देते हैं ना कि इस व्यक्ति ने इसको प्रॉपर्टी दे दी इसके बेनिफिट के लिए, कि जो भी इससे प्रोसीड्स आएंगी वो इसके बेनिफिट के लिए यूज़ करियो. ऐसी जैसे हम टेंपल के लिए प्रॉपर्टी दे दी या रिलीजियस प्रॉपर्टी दे देते हैं ना हिंदू मुस्लिम्स के अंदर, वो सारी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. तो इस तरीके की अगर कोई प्रॉपर्टी किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, कोई भी स्पेसिफिक पर्पज़ हो सकता है, जैसे रिलीजियस हो सकता है या और कोई स्पेसिफिक पर्पज़ हो सकता है, तो उसके लिए वो प्रॉपर्टी दी है. ठीक है, तो यहाँ पे जो जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी दी है जिसको हम ट्रस्टी बोलेंगे, या फिर जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या जिसको असाइन किया गया है, और वो असाइन वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए नहीं होना चाहिए. फॉर द पर्पज ऑफ फॉलोइंग इन हिज और देयर हैंड सच प्रॉपर्टी और प्रोसीड देयर ऑफ और फॉर अकाउंट ऑफ सच प्रॉपर्टी और प्रोसीड शैल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम. तो वो क्या होगा, बार्ड होगा बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम से. ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने हिंदू मुस्लिम का एग्जांपल दिया तो वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो जाएंगी, जो रिलीजियस ट्रस्ट बनाई जाती है ना या चैरिटेबल एंडोमेंट्स बनाई जाती है रिलीजन की, वो भी इंक्लूड हो जाएंगी. सेक्शन 11 क्या बोलता है, सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर इनटू आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स. कि आप क्या कर रहे हो, सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू, कि आप सूट कर रहे हो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो कहाँ पे एंटर हुआ था, आउटसाइड द टेरिटरी जहाँ पे एक्ट एक्सटेंड होता है. तो सूट इंस्टीट्यूटेड इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर और इन अ फॉरेन कंट्री. तो जम्मू कश्मीर को हटा दो, फॉरेन कंट्री आ जाएगा सिर्फ. शैल बी सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ लिमिटेशन कंटेंड इन दिस एक्ट. तो वो भी क्या होंगे, लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो प्रोविजन दिए हैं उनके हिसाब से होंगे, उनके सब्जेक्ट में होंगे. नो रूल ऑफ लिमिटेशन इन फोर्स इन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये बात हट गई, और इन फॉरेन कंट्री आ गई सिर्फ. तो नो रूल ऑफ लिमिटेशन enforced in a foreign country shall be a defense to a suit instituted. तो उस कंट्री में मान लीजिए कि भाई उनका कुछ अपना डिफेंस था फॉरन कंट्री के अंदर, आप किसी और कंट्री में कर रहे थे, तो वो डिफेंस जो है ना यहाँ पर आपकी लिमिटेशन को रोकने के लिए यूज़ नहीं होगा. ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इन टू दैट स्टेट और इन अ फॉरन कंट्री अनलेस, जब तक कि द रूल्स हैज एक्सटिंग्विश द कॉन्ट्रैक्ट, कि वो जो रूल्स हैं उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटिंग्विश ना कर दिया हो. ये बेसिकली किसके लिए बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात हो रही है. ठीक है, द पार्टीज़ आर डोमिसाइल्ड इन दैट स्टेट, या फिर पार्टी जो है वो स्टेट के अंदर या फॉरेन कंट्री के अंदर डोमिसाइल हो रही है, स्टेट को काट दो, स्टेट स्टेट वर्ड मत यूज़ करो क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए हट गया, ड्यूरिंग द पीरियड प्रिस्क्राइब बाय सच रूल्स, जो भी वो जो पीरियड प्रिस्क्राइब किया था उसके अंदर वो वहाँ पर डोमिसाइल हो, तो फिर वहाँ पर आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, मतलब आप उसको उसका डिफेंस नहीं ले सकते. फिर आता है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जिसको प्रेस्क्राइब पीरियड बोलते हैं, किस तरीके से हमने अपना जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसको कंप्यूट करना है. सेक्शन 12 क्या बोलते हैं, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स, कि कौन से टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर. इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, जब आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करोगे किसी सूट अपील या एप्लीकेशन के लिए, तो द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रेकन, तो जिस दिन से वो पीरियड स्टार्ट होना है शैल बी एक्सक्लूड, उस दिन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसके अगले दिन को इंक्लूड किया जाएगा. अगर 12 तारीख को पीरियड स्टार्ट होना था तो 12 तारीख को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, 13 तारीख को से वो पीरियड स्टार्ट होगा. ठीक है, दूसरी बात बोलता है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी अपील और एन एप्लीकेशन फॉर लीव, क्या कर रहे हो यहाँ पे, किस किस चीज़ के लिए कर रहे हो, किस चीज़ का पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट कर रहे हो, किसी अपील का या फिर एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील, कि भाई एप्लीकेशन लगाते हो जहाँ पे आप
अपील करने के लिए लीव मांगते हो और फॉर रिवीजन और रिव्यू ऑफ द जजमेंट, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए आप क्या कर रहे हो, अपील लगा रहे हो, एप्लीकेशन लगा रहे हो या फिर रिवीजन के लिए रिव्यू के लिए लगा रहे हो किसी जजमेंट के, द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंड ऑफ वॉज प्रनाउंस्ड एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द डिक्री सेंटेंस और ऑर्डर अपीयर्ड फ्रॉम द सॉर्ट टू बी रिवाइज और रिव्यूड शैल बी एक्सक्लूडेड। तो ये जो पीरियड होगा ना, जिस दिन जो भी जैसे वो जजमेंट ऑर्डर वगैरह जो आया और उसकी जो कॉपी लेने में जो टाइम आया, टाइम लगा ऑब्टेनिंग कॉपी में, वो पीरियड भी एक्सक्लूड होगा, उसके अगले दिन से आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर सबसेक्शन 3 बोलता है, वेयर अ डिक्री और ऑर्डर इज अपील्ड फ्रॉम सॉर्ट टू बी रिवाइज और रिव्यूड और वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर लीव टू अपील फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द जजमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। वही सेम बात आ गई, यहाँ पे भी आपका जो टाइम है ना, वो जो कॉपी लेने के लिए उसका, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। इन कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड, कि आपने क्या करना है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करना है कौन सी एप्लीकेशन के लिए, जहाँ पे आप किसी अवार्ड को सेट असाइड कर रहे हो उसके लिए आप एप्लीकेशन लगा रहे हो, तो जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसकी कॉपी लेने के लिए, जो अवार्ड की कॉपी लेने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होगा, वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा। उसके बाद से आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे। फिर एक्सप्लेनेशन में क्या बोलता है, इन कंप्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री और एन ऑर्डर एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट टू प्रिपेयर द डिक्री और ऑर्डर बिफोर एन एप्लीकेशन फॉर अ कॉपी थियरऑफ इज मेड शैल बी एक्सक्लूडेड। आपने एप्लीकेशन लगाई 12 तारीख को, इससे पहले अगर कोर्ट को कोई टाइम लग रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं है, आपका जो टाइम एक्सक्लूड होगा वो जितने टाइम आपको लगा कॉपी लेने में वो एक्सक्लूड होगा, सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन में इतना बता रहे, ठीक है। फिर सेक्शन 3 को देखते हैं क्या बोलता है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केस वेयर लीव टू स्यू और अपील एज प्रॉपर इज अप्लाइड फॉर, कि अब यहाँ पे आप कौन से टाइम को एक्सक्लूड करोगे, जहाँ पे आपने क्या किया है, लीव टू स्यू और अपील एज अ प्रॉपर इज अप्लाइड फॉर। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट और अपील इन एनी केस वेयर द एप्लीकेशन फॉर लीव टू स्यू और अपील एज प्रॉपर हैज बीन मेड, मतलब कि आपकी आपने कोई अपील जहाँ पे आपने कोई क्या किया था, आप क्या करना चाहते थे, पॉपर जो होते हैं, जो पॉपर हमने ऊपर भी देखे थे, जो गरीब होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, वो एप्लीकेशन लगाते हैं किस चीज़ के लिए, स्यू करने के लिए, जो लीव टू स्यू करते हैं जहाँ से उनका पीरियड स्टार्ट हो जाता है लिमिटेशन का, या फिर अपील करते हैं कि भाई मुझे पॉपर के तौर पर करा जाए, अपील के अंदर जाते हैं इस चीज़ के लिए, हैज़ बीन मेड, उन्होंने की हो इस तरीके की एप्लीकेशन और वो रिजेक्ट हो गई हो एप्लीकेशन, द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ इज एप्लीकेशन फॉर सच लीव शैल बी एक्सक्लूडेड। तो ये जो एप्लीकेशन का टाइम था ना, जितने टाइम वो चली, वो पीरियड अब एक्सक्लूड हो जाएगा। पहले इसने बोला कि भाई जिस दिन वो एप्लीकेशन लगाई उसी दिन से चालू हो जाएगा, अब अगर वो रिजेक्ट हो गई तो उसकी उसमें क्या गलती थी, तो वो जो पीरियड था जितने टाइम वो उस एप्लीकेशन के ऊपर चीज़ें चली, वो पीरियड हट जाएगा लिमिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए। एंड द कोर्ट में ऑन पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस, और कोर्ट जो है जब वो कोर्ट फीस पे करेगा कि अब वो भाई कोर्ट ने बोला तो प्रॉपर नहीं है, तो कोर्ट फीस पे कर प्रिस्क्राइब फॉर सच सूट और अपील, ट्रीट द सूट और अपील हैविंग द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज इट इफ द कोर्ट फीस हैज़ बीन पेड इन द फर्स्ट इंस्टांस। तो वही सब बातें आ गई कि ऐसे मान लेगा कोर्ट कि उसने पहली बार में फीस दे दी थी। फिर सेक्शन 14 के ऊपर आए, ये क्या बोलता है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन द कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। अब देखिए क्या बोलता है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच, तो जब हम किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके अंदर जो टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिव हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डेलिजेंस अनदर सिविल प्रोसीडिंग, की जो प्लेंटिव था वो प्रोसिक्यूट कर रहा था ड्यू डेलिजेंस, अपनी पूरी ध्यान में रखते हुए चीज़ों को, कोई और सिविल प्रोसीडिंग वेयर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस और अपील और रिवीजन अगेंस्ट द डिफेंडेंट शैल बी एक्सक्लूडेड, वेयर द प्रोसीडिंग रिलेट टू द सेम मैटर इन इशू एंड इज प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ इन द कोर्ट विच फॉर्म डायरेक्ट और ज्यूरिसडिक्शन और अदर केस ऑफ लाइक नेचर इज अनेबल टू एंटरटेन इट, कि वो अनेबल है उसको एंटरटेन करने के लिए। तो फिर यहाँ पे वो जो जितने टाइम पीरियड वो प्रोसीडिंग चली, वो टाइम पीरियड की जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो उतना टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लिए। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी एप्लीकेशन, अब यही बात ही एप्लीकेशन के लिए बोल रहा है, कैसे, जो बात हमने इसके लिए पढ़ी ना अभी ऊपर, सूट के लिए एप्लीकेशन के लिए बोल रहा है कि भाई वो कोर्ट के अंदर चला रहा था सिविल प्रोसीडिंग, अब बाद में उसको पता चला जो भी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस था या अपील या रिवीजन जहाँ पे भी चल रहा था, और सेम पार्टी और सेम रिलीफ जहाँ पे उसने मांगा हुआ था कि वहाँ पे जो है ना, और वो गुड फेथ में चला था, वहाँ पे डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है जैसे भी हमने ऊपर देखा,
या फिर इस तरीके का कोई नेचर है तो वो भी फिर अनेबल टू एंटरटेन है, तो जो भी टाइम पीरियड होगा ना उस प्रोसीडिंग का, जो भी जिसने टाइम वो एप्लीकेशन चली वहाँ पे, वो एक्सक्लूड हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। नथिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल टू ऑर्डर 23 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन परमिशन ग्रांटेड बाय द कोड अंडर रूल 1 ऑफ दैट ऑर्डर। जो हम ऑर्डर 23 देखते हैं सीपीसी का, जहाँ पे हमें विड्रॉल के बारे में बता रखा है, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 2 ऑफ ऑर्डर 23, तो जो भी चीज़ वहाँ दी गई है रूल 2 ऑर्डर 23 के अंदर सीपीसी की, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू अ फ्रेश सूट। तो जो प्रोविजंस है सबसेक्शन 1 के वो कहाँ पे अप्लाई होंगे, फ्रेश सूट के ऊपर अप्लाई होंगे, और वो फ्रेश सूट कौन सा, जो इंस्टीट्यूट किया गया हो विद द परमिशन ग्रांटेड बाय द कोर्ट अंडर रूल 1 ऑफ दैट ऑर्डर, अगर वहाँ पे परमिशन दी है, क्योंकि अगर आपने केस को विड्रॉ किया, ठीक है, विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट टू फाइल फ्रेश सूट, तो आप फिर फ्रेश सूट अप्लाई नहीं कर सकते, आपके ऊपर रेस ज्यूडिकाटा लग जाता है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे फ्रेश सूट के लिए ये जो टाइम एक्सक्लूड करना है, वहाँ पे आपने अगर कोर्ट की परमिशन ली होगी तभी वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वेयर सच परमिशन इज ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड द फर्स्ट सूट मस्ट फेल बाय रीजन ऑफ डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट और अदर कॉज लाइक नेचर, या इस तरीके के किसी कारण से, तो फिर वो पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। परमिशन आपको जरूर लेनी है कोर्ट से विड्रॉ करके फ्रेश सूट फाइल करने की। फॉर पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच द फॉर्मल प्रोसीडिंग वाज पेंडिंग द डे ऑन विच द प्रोसीडिंग वाज इंस्टीट्यूटेड एंड द डे ऑन विच इट एंडेड शैल बोथ बी काउंटेड। तो दोनों दिन काउंट होंगे, जिस दिन जो प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हुई थी और जिस दिन वो प्रोसीडिंग एंड हुई, उस पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए जिसको आपने एक्सक्लूड करना है सिविल प्रोसीडिंग में से, ठीक है। प्लेंटी और एप्लीकेंट रेजिस्टिंग एन अपील शैल बी डीम टू बी प्रोसिक्यूटिंग अ प्रोसीडिंग। तो यहाँ प्लेंटी या एप्लीकेंट अगर रेजिस्ट कर रहे हैं किसी अपील को, तो वो मान लिया जाएगा कि वो प्रोसीडिंग चल रही है। मिस जॉइंटर ऑफ पार्टीज और कॉज ऑफ एक्शन शैल बी डीम टू बी कॉज ऑफ लाइक नेचर विद द डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन। तो इस तरीके के जो होते हैं ना, जो बोल रहा था डिफेक्ट ऑफ लाइक ज्यूरिडिक्शन, ये जो यहाँ बोलता है ये लाइक नेचर, तो ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। फिर हम आते हैं सेक्शन 15 के ऊपर, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। कुछ और केसेस के अंदर बता रहा है कि आप कैसे टाइम को एक्सक्लूड करोगे, एक्सक्लूजन करोगे, इंक्लूड नहीं करोगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए। क्या बोल रहा है कि अगर जब आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट कर रहे हो किसी सूट या एप्लीकेशन के लिए, मतलब एप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए, तो जो इंस्टीट्यूशन या एग्जीक्यूशन है, जो इंस्टीट्यूशन या एग्जीक्यूशन है जिसके ऊपर स्टे लगा दिया था कोर्ट ने, स्टे लगा दिया था इंजंक्शन या ऑर्डर से, तो जो टाइम था जिस वक्त तक वो इंजंक्शन या ऑर्डर लगा रहा, तो वो टाइम जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो द डे ऑन विच इट वाज इशूड, तो जिस दिन भी वो लगा था और जिस दिन भी वो विड्रॉ हुआ, ये दोनों इसके अंदर क्या होंगे, एक्सक्लूड होंगे। उस दिन को आप कैलकुलेट नहीं करोगे टाइम को एक्सक्लूड करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात बोलता है, अगर आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करना है किसी सूट के लिए जिसके अंदर कोई नोटिस भेजा जाना ज़रूरी है, या फिर कोई प्रीवियस कंसेंट या सेंक्शन लेना ज़रूरी है गवर्नमेंट की या किसी और अथॉरिटी की, जो भी रिक्वायरमेंट्स है लॉ की उसके हिसाब से, तो जो पीरियड था उस नोटिस को भेजने का या जो भी परमिशन वगैरह लेने का कंसेंट के लिए, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए। फिर तीसरी बात क्या बोलता है ये, अब देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है तीसरी बात कि जैसे आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट कर रहे हो किसी सूट या एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के अंदर बाय एनी रिसीवर या इंटरिम रिसीवर के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे ये जो अपॉइंट हुआ, जो भी पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ उसके लिए जो रिसीवर इंटरिम रिसीवर अपॉइंट हुआ, या फिर जो लिक्विडेटर या प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ वाइंडिंग अप के केस में कंपनी के, तो जो पीरियड होगा विद द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सच प्रोसीडिंग, जिस भी दिन वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई एंड एंडिंग विद द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसने 3 मंथ का टाइम दे दिया फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सच रिसीवर और लिक्विडेटर एज अ केस में भी, तो वो पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा 3 महीने का, जब वो रिसीवर लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ था उसका। इन कंप्यूटिंग द पीरियड लिमिटेशन फॉर सूट फॉर पोजेशन, अब यहाँ पे कौन सा सूट हो रहा है, सूट फॉर पोजेशन हो रहा है, बाय परचेजर एट सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, ठीक है, द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग टू सेट असाइड अ सेल हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड। तो ये जो ये वाला प्रोसीडिंग का टाइम होगा ना जिसके लिए अंदर सेट असाइड कर रहे थे सेल को, वो जो टाइम पीरियड होगा जो भी प्रोसीडिंग चली उसके अंदर, वो एक्सक्लूड हो जाएगा इस वाले सूट फॉर पोजेशन के लिए,
जो सूट डाला जाएगा उसके पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम इंडिया, भाई जो डिफेंडेंट था वो इंडिया में था ही नहीं, तो वो टाइम जो या फिर टेरिटरी जहाँ पे भी ये इंडिया नहीं है, आउटसाइड इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एरिया के अंदर नहीं है वो, तो वो पीरियड भी एक्सक्लूड हो जाएगा। वो रहा 6 महीने बाहर तो 6 महीने इंक्लूड नहीं होंगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लिए, क्योंकि वो इंडिया से बाहर है, तो फिर हम कैसे सूट करेंगे उसके ऊपर। सेक्शन 16 क्या बोलता है, इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूअल ऑफ राइट टू स्यू, कि क्या इफेक्ट होगा डेथ का अगर वो डेथ हो जाती है ऑन और बिफोर उस दिन या उससे पहले द एक्रूअल ऑफ राइट टू स्यू, जो जब उसका राइट टू स्यू जो है वो एक्रू होता है, जब वो बनता है उसका राइट। यहाँ पे दो बातें बोल रहा है, देखो क्या जिस व्यक्ति ने सूट करना है और जिसके अगेंस्ट सूट होना है, दो व्यक्ति आ गए, जिस पर्सन ने करना है जिसके अगेंस्ट होना है। क्या बोलता है इसके अंदर कि वेयर अ पर्सन हु वुड, अगर वो लिविंग होता तो हैव राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन, कि उसके पास राइट होता अगर वो जीवित होता सूट को इंस्टीट्यूट करने का या एप्लीकेशन बनाने का, वो मर जाता है जब वो राइट अक्रू होता है उससे पहले ही, या फिर वेयर अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन एक्रूज ओनली ऑन द डेथ ऑफ पर्सन, या फिर वो जो राइट उसको मिलता है सूट करने का वो तभी मिलता जब वो व्यक्ति मर जाता, मतलब उसकी डेथ हो जाती या उस वक्त मिलता वो सूट या एप्लीकेशन लगाने का जो राइट था। तो ऐसे के अंदर अब जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा वो कब से कैलकुलेट होना शुरू होगा, फ्रॉम द टाइम वेन देयर इज़ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज कैपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग सच सूट, तो जिस दिन से वो कैपेबल होगा उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए, उस दिन से उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा। और यही बात अपोजिट यहाँ पे आ जाती है, जिसके अगेंस्ट होना था तो उसके जीते जी अगर उसके अगेंस्ट होना था और वो राइट अक्रू नहीं हुआ, या फिर उसके मरने पे ही वो अक्रू होना था राइट, तो यहाँ पे भी फिर वो जो राइट है वो उसके जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो कब से कैलकुलेट होगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब कैपेबल होगा उस दिन से जो है ऑफ द डिजीज अगेंस्ट होम द प्लेंटिफ में सूट मेक सच एप्लीकेशन, तो वहाँ से फिर उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा। और ये प्रीएम्पशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक, अब कोई फ्रॉड होता है मिस्टेक होता है किसी व्यक्ति के साथ तो उसके अंदर क्या होता है, तो वेयर इन द केस ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन, दो ही चीज़ें आ रही हैं, सूट एप्लीकेशन अपील की बात नहीं की, फॉर विच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब बाय दिस एक्ट, जिसके लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब किया, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहाँ पे दिए गए हैं, सारे पीछे शेड्यूल में दिए गए हैं, ठीक है, तो द सूट और एप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन फ्रॉड ऑफ द डिफेंडेंट और रिस्पेंडेंट और इज एजेंट, की जो सूट या एप्लीकेशन था वो किसके ऊपर बेस्ड है, फ्रॉड के ऊपर बेस्ड है, किसके, डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट या उसके एजेंट के, या फिर द नॉलेज ऑफ द राइट टू टाइटल, राइट और टाइटल ऑन विच सूट और एप्लीकेशन इज फाउंड इज कंसील्ड बाय द फ्रॉड ऑफ एनी सच पर्सन एज अफोर्सेड, कि भाई जिस व्यक्ति को जिसके जिसको ये राइट था सूट इंस्टीट्यूट करने का टाइटल के लिए, कि भाई उसका इसके अंदर टाइटल है या उसका जो राइट है, तो जिसके लिए उसने एप्लीकेशन लगानी थी उसको ये पता चलता है कि उससे ये चीज़ छुपाई गई है फ्रॉड से किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। तीसरी बात, द सूट और एप्लीकेशन इज़ फॉर रिलीफ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ मिस्टेक, वो मिस्टेक की बात आ गई यहाँ पे, वेयर एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश द राइट ऑफ द प्लेंटी फॉर एप्लीकेंट हैज़ बीन फ्रॉडिलेंटली कंसील्ड फ्रॉम हिम, और उससे कोई डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी थे उसके राइट को एस्टेब्लिश करने के लिए, किसके, प्लेंटी के राइट को एस्टेब्लिश करने के लिए या एप्लीकेंट के राइट को एप्लीश करने के लिए, उससे फ्रॉडिलेंटली कंसील किए गए। तो यहाँ पे बोलता है कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा शेल नॉट बिगिन, वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू ही नहीं होगा अनटिल द प्लेंटी फॉर एप्लीकेंट हैज़ बीन डिस्कवर्ड द फ्रॉड, जब तक कि उनको उस फ्रॉड के बारे में नहीं पता चल जाता, मुझे 10 साल बाद पता चलता है फ्रॉड के बारे में, तो 10 साल तक मेरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन ही स्टार्ट नहीं होगा, या ऐसी कोई मिस्टेक पता चलती है तो 10 साल तक मेरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन ही स्टार्ट नहीं होगा, या फिर ऐसा होता कि इस 10 साल के अंदर मैं ड्यू डिलीजेंस से, रीजनेबल डिलीजेंस से पता कर सकता था अपने इस राइट के बारे में, इस डॉक्यूमेंट के बारे में, तो फिर ये बात नहीं होगी, ठीक है। यहाँ प्रोविजो देता है दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल एनेबल एनी सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड और एप्लीकेशन टू बी मेड टू रिकवर एनफोर्स एनी चार्ज अगेंस्ट और सेट असाइड एनी ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग एनी पर्सन विच इन केस ऑफ फ्रॉड हैज़ बीन परचेज फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, इन केस ऑफ मिस्टेक हैज़ बीन परचेज फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, सेम बात यहाँ पे आ गई, इन केस ऑफ कंसील्ड डॉक्यूमेंट हैज़ बीन परचेज फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो इस जगह पे फिर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी ये बात। वेयर द जेडी, जेडी कौन होता है, जजमेंट डेटा, जिसके फेवर के अंदर डिसीजन आया होता है, बाय फ्रॉड
और फोर्स प्रिवेंटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। वो क्या करता है कि फ्रॉड से या फिर उल्टा बोल दिया, जजमेंट डेटर नहीं, जजमेंट डेटर वो होता है जिसके अगेंस्ट आया हुआ था, डिक्री होल्डर होता है जिसके फेवर में आया था। तो जो जहाँ पे जजमेंट डेटर ने फ्रॉड से या फोर्स से प्रिवेंट किया एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को, हम डिक्री को एग्जीक्यूट कराते हैं, या फिर ऑर्डर को विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर तो जो कोर्ट है किसकी एप्लीकेशन के ऊपर, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट क्राइटर, मतलब डिग्री होल्डर की एप्लीकेशन के ऊपर, मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री। तो यहाँ पे कोर्ट जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है जिसके अंदर वो करना है उसने उसको एक्सटेंड कर सकता है। बस बोल रहा है कि ये जो एप्लीकेशन है ये विद इन वन ईयर हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फ्रॉड, जब उसको फ्रॉड पता चला उसके एक साल के अंदर अंदर कर दो, उससे ज़्यादा लेट मत करो, या फिर जब वो फोर्स खत्म होती है उसके अंदर अंदर, फिर उससे लेट जाओगे तो फिर नहीं आप कर सकते। ये सेक्शन 18 क्या बोलता है कि भाई एक्नॉलेजमेंट अगर दे दी जाए राइटिंग के अंदर, मान लीजिए कि आपका पीरियड जो है 3 साल का है, ठीक है, आपने 3 साल में इंस्टीट्यूट करना है, आप सब बोलते हो कि हाँ मेरी लायबिलिटी बनती है, जैसे ए ने बी के 5,000 रुपये देने हैं और इसके लिए जो बी है 3 साल के अंदर सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, ठीक है। अब जब 2 साल बीते हैं ना, अभी तक इसने सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया, और ए आके दोबारा से राइटिंग के अंदर एक्नॉलेज कर लेता है 2 साल के अंदर कि हाँ मैंने तेरे पैसे देने हैं, तो ये 2 साल से प्लस 3 साल, मतलब यहाँ से एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसको 3 साल और मिलके बी को इसके ऊपर सूट करने के लिए, ठीक है, फ्रेश पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ये जो एक्नॉलेजमेंट दी है अनडेटेड थी या ओरल एविडेंस अनडेटेड थी, मतलब जो राइटिंग थी उसको अनडेटेड थी, तो उसके लिए ओरल एविडेंस दिए जा सकते हैं अगर वो साइन थी तो, लेकिन वहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट को आपको ध्यान में रखना होगा, सेक्शन 91-92 को। फिर आता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड एक्नॉलेजमेंट मे बी सफिशियंट टू इट ऑमिट टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ राइट, और एग्जैक्ट नेचर नहीं बता रहा तब भी चलेगा, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। द वर्ड साइन मीन्स साइन इधर पर्सनली और बाय एन एजेंट ड्यूली ऑथराइज इन दिस बिहाफ, तो वो पर्सनली भी साइन हो सकती है या फिर कोई उसका एजेंट भी उसको साइन कर सकता है। एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑर्डर शैल नॉट बी डीम टू बी एप्लीकेशन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। डिटेल में आपने देखना हो तो मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हो आप। इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेप्ट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लिगेसी, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेयर अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेप्ट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ लिगेसी इज मेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड बाय पर्सन लाइबल टू पे द डेप्ट और लिगेसी और बाई इज एजेंट ड्यूली ऑथराइज इन दिस बिहाफ, अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम एंड द पेमेंट वॉज मेड, तो यहाँ से एक फ्रेश पीरियड जो है लिमिटेशन का स्टार्ट हो जाएगा, जब उसने उससे पहले ही जो डेट थी जब भी पे डेप्ट पे करना था, इंटरेस्ट पे करना था, तो उससे पहले ही उसके एक्सपायरेशन से पहले ही उसने अमाउंट पे कर दिया, तो वहाँ से फ्रेश पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब एक्सप्लेनेशन वगैरह पढ़ लेना, इतना कुछ है नहीं। सेक्शन 20 क्या बोलता है, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन, सेक्शन 18-19, जो मतलब कि कोई और पर्सन अगर एक्नॉलेजमेंट कर लेता है या पेमेंट कर देता है तो क्या होता है, द एक्सपायरेशन ऑफ एजेंट ड्यूली ऑथराइज इन दिस बिहाफ इन सेक्शन 18 and 19 शैल इन केस ऑफ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी इंक्लूड इज लॉफुल गार्डियन कमेटी और मैनेजर और एजेंट ड्यूली ऑथराइज बाय सच गार्डियन कमेटी और मैनेजर टू साइन द एक्नॉलेजमेंट और मेक द पेमेंट, मतलब कि ये जो एजेंट वर्ड यूज हुआ था ना सेक्शन 18-19 के अंदर उसके लिए बता रहा है, तो उसका कोई लॉफुल गार्डियन कमेटी और मैनेजर और इज एजेंट ड्यूली ऑथराइज बाय सच गार्डियन कमेटी और मैनेजर अगर वो साइन कर देता है तो वो सेम चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी अगर वो पर्सन जो है डिसेबिलिटी के अंदर है तो। नथिंग इन द सेट सेक्शंस रेंडर वन ऑफ सेवरल ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्टर्स पार्टनर एग्जीक्यूटर्स और मॉर्गेजेस चार्जेबल बाय रीजन ओनली ऑफ रिटन एक्नॉलेजमेंट साइन बाय और पेमेंट मेड बाय और बाय एजेंट ऑफ एनी अदर पर्सन और अदर्स ऑफ देम, कि इनमें से किसी जैसे सेवरल ज्वाइंट वो थे कॉन्ट्रैक्टर्स थे पार्टनर्स थे एग्जीक्यूटर थे, इनमें से किसी ने एक जाके जज 5-6 थे एक साथ एक ने कर दिया, ऐसे किसी एक पार्टनर ने कर दिया या उनके एजेंट ने कर दिया, तो वहाँ पे फिर वो उनको लायबल नहीं बनाया जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ द सेट सेक्शंस, अब यहाँ पे बता रहा है कि एक्नॉलेजमेंट साइंड और पेमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लायबिलिटी बाय और बाय द ड्यूली ऑथराइज एजेंट ऑफ एनी लिमिटेड ओनर ऑफ प्रॉपर्टी हु इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ शैल बी आ वैलिड एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट, तो यहाँ पे उसको वैलिड एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट मान ली जाएगी जहाँ पे वो साइन जो एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट की गई थी लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में जो भी ड्यूली ऑथराइज एजेंट था उसके द्वारा, एज अ केस में भी एज अगेंस्ट द रिविजनर सक्सीडिंग टू सच लायबिलिटी। फिर सेक्शन 21 के ऊपर आएँ, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है, 1 घंटा
लग जाता है 1-2 घंटे, और बोलते बोलते थक जाता हूँ। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेहनत मेहनत के लिए आप बस आप बटन दबाना है आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है, सेक्शन 21 के ऊपर आते हैं, इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट। कि आप क्या करते हो कि कोई न्यू प्लेंटिफ या न्यू डिफेंडेंट को ऐड कर देते हो या सब्सटीट्यूट कर देते हो, तो उसका इफेक्ट क्या होता है। तो वेयर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट अ न्यू प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट इज सब्सटीट्यूटेड और एडेड, द सूट शेल एज रिगार्ड्स हिम बी डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड व्हेन ही वाज सो मेड पार्टी। तो मान लिया जाएगा कि जब उसको पार्टी बनाया गया ना, तब से ये सूट इंस्टीट्यूट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है प्रोवाइड प्रोविजो देता है, वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द ओमिशन टू इंक्लूड न्यू प्लेंटिव, की कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि जो प्लेंटिव था, न्यू प्लेंटिव था, उसको ओमिशन हो गया था इंक्लूड करने से या डिफेंडेंट को, वॉज ड्यू टू मिस्टेक मेड इन गुड फेथ। और ये जो इसको इंक्लूड नहीं किया था, ये गुड फेथ के कारण नहीं किया था। तो इट मे डायरेक्ट दैट सूट एज रिगार्ड सच प्लेंटिव और डिफेंडेंट शेल बी डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन एन अर्लियर डेट। सेकंड बोलते हैं नथिंग इन सबसेक्शन 1 शेल अप्लाई टू केस वेयर पार्टीज एडेड और सब्सटीट्यूटिंग ओइंग टू असाइनमेंट और डिवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। अगर इस कारण से होता है ना, तो सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 22 बोलते हैं कंटिन्यूइंग ब्रीच एंड टॉर्ट्स, इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द केस ऑफ कंटिन्यूइंग टॉर्ट अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगेन टू रन एवरी मूवमेंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच द ब्रीच ऑफ टॉर्ट और एज द केस में बी कंटिन्यू। सो जो हर एक मूवमेंट पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू होता रहेगा। सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट्स नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेजेस, की जो कौन से सूट जिनके लिए कंपनसेशन मांगा जाएगा जहाँ पे कोई स्पेशल डैमेजेस जब तक नहीं होते, तो ऐसे सूट्स के लिए बात कर रहा है। तो इन केस ऑफ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एनी एक्ट विच डज नॉट गिव राइज टू कॉज ऑफ एक्शन अनलेस सम स्पेसिफिक इंजरी एक्चुअली रिजल्ट देयर फ्रॉम द पीरियड लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम इन द इंजरी रिजल्ट। तो जब भी वो इंजरी होगी, वो स्पेसिफिक इंजरी, तब से वहाँ पे उनका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, तो ऑल द इंस्ट्रूमेंट शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बी डीम टू बी मेड इन रेफरेंस टू जॉर्जियन कैलेंडर। तो जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से सभी इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, उनका टाइम जो है कैलकुलेट होगा। फिर आते हैं सेक्शन 25 के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप बाय पोजीशन की बात हो रही है। यहाँ सेक्शन 24 तक हमने कंप्यूटेशन देख लिया। सेक्शन 25 में आपने इतना सा समझना है, एडवर्स पोजीशन जिसको बोलते हैं, कि आपने अगर किसी कोई प्रॉपर्टी या कोई ईजमेंट जैसे लाइट एयर या कोई भी चीज़, कोई बिल्डिंग जो है पीसफुली इंजॉय की है, ठीक है, कब कितने टाइम के लिए, 20 ईयर्स के लिए, तो वो प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर जो राइट जो होता है, जो सारे आपने इन्जॉय किए हैं, वो आपके एब्सोल्यूट और इनडिफिसिबल हो जाएंगे। अब वो आपकी चीज़ हो जाएगी। और यही चीज़ अगर गवर्नमेंट के अंदर, यही अगर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो, तो इस पीरियड को हम 30 ईयर्स कर देते हैं, तो वो प्रॉपर्टी के अंदर आपका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आ जाएगा, इनडिफिसिबल इंटरेस्ट आ जाएगा। यही बात सेक्शन 25, 26 और 27 के अंदर है, ये आप पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद सेक्शन 30 देखें। सेक्शन 30 के अंदर बोला गया कि जैसे मान लीजिए ये लिमिटेशन एक्ट था, लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है हमारा, अगर मान लीजिए कि जो कोई एक्ट है, कोई भी जो स्टैचू है, उसके अंदर पीरियड ऑफ लिमिटेशन शॉर्टर दिया गया था पीरियड ऑफ लिमिटेशन से, ठीक है, जो भी पीरियड इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया था, तो वहाँ पे जो सूट है वो विद इन 7 ईयर्स इंस्टीट्यूट हो सकता है जब ये एक्ट कमेंस हुआ उसके, या फिर जो टाइम बताया गया था उसके द्वारा, इंडियन लिमिटेशन एक्ट के द्वारा, दोनों में से जो सा भी टाइम पहले एक्सपायर हो जाता है, 7 साल या फिर जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से टाइम बताया गया वो। और इसी तरीके से कोई अपील या एप्लीकेशन होती है जो पहले की थी, तो उसके लिए भी पीरियड दिया गया 90 डेज़ का, ये बी के अंदर। या फिर जो पीरियड इंडियन लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से दिया गया, दोनों में से जौन सा पीरियड कम है, 90 डेज़ या इंडियन लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से जौन सा पीरियड कम है, जौन सा पहले एक्सपायर हो रहा है, वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन रहेगा। तो सेक्शन 30 इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी हमने डिटेल में इसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे आई होप ख़त्म हो गया हमारा ये जो एक्ट है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है हमारा ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ आया हो। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि बोलने में बहुत मेहनत लगती है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और इजीली आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरीके से हम बाकी सारे एक्ट्स को शॉर्ट के अंदर, मतलब एक बारी में ख़त्म करेंगे, ताकि आपको रिवाइज़ करना हो तो आप इसको इजीली कर सको। यहाँ पे हमने डिटेल डिस्कशन नहीं की, उसके लिए आप पर्टिकुलर वीडियोज़ देख सकते हो।